गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। हम BSc सेकेंड ईयर में यूनिट फोर्थ में क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया पढ़ रहे थे, जिसमें पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ मैमेलिया, जनरल करेक्टर्स ऑफ मैमेलिया। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, किस तरीके से इसको 18 लिविंग ऑर्डर तथा 14 नॉन लिविंग ऑर्डर में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमें केवल लिविंग ऑर्डर्स की ही स्टडी करनी थी। क्लास में मैमेलिया को दो सब क्लासेज प्रोटोथेरिया में डिवाइड किया, प्रोटोथेरिया को ऑर्डर मोनोटरीमेटा में डिवाइड किया, थेरिया को दो इंफ्रा क्लासेज मेटाथीरिया तथा यूथेरिया में डिवाइड किया। मेटाथीरिया का एक ऑर्डर मार्सुपियलिया था और यूथेरिया को 16 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, जो इंसेक्टिवोरा, गायरोप्टेरा, डर्मोप्टेरा, एडेनाटा, फॉलिडा, फॉलिडोटा, टिब्लिडोनेंटाटा, प्राइमेट्स, रोडेंसिया, लोगोमॉर्फा, सिटेसिया, सिदेनेगिया, कार्निवोरा, हाइड्रोकोइडिया, प्रोबोसिडा, पर्सियोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला हैं। हमने सब क्लास प्रोटोथेरिया, मोनोट्रीमेटा, थेरिया, मेटाथेरिया, मार्सुपियलिया, यूथेरिया, इंसेक्टिवोरा, काइरोप्टेरा, रोडेंसिया तथा एडेनाटा तक हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर नंबर 7, इसका नाम है फॉलिडोटा। फॉलिडोटा इन जंतुओं में टीथ यानी दांत अब्सेंट होते हैं, एवं इनकी जो जीभ होती है यानी टंग होती है काफ़ी लंबी होती है। इनकी बॉडी स्केल से यानी छोटे छोटे हार्ड स्केल्स पाए जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है मैनिस पेंगोलिन, जिसको स्केली आंटीटर कहते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 है टुबली डेंटेटर। इनका माउथ लॉन्ग यानी लंबा, ट्यूब लाइक तथा इनकी टंग यानी जीव प्रोटोस्टेबल यानी बहिर्जारी बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इनमें इंसिजर्स तथा कैनाइंस यानी जो सामने वाले तथा उसके बराबर वाले टीथ अब्सेंट होते हैं। इनके जबड़े में 4 या 5 ही दांत पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका आर्डवर्क या ऑर्चिटेरोपस, जो कि अफ्रीका में मिलता है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर डर्मोप्टेरा। यह है नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर, वृक्षाश्रयी मतलब वृक्ष यानी प्लांट्स पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं। एक रात में निकलते हैं और वृक्ष पर रहते हैं। इनके चारों पैर बराबर लंबाई के होते हैं। इसका एग्जांपल है साइनोसिफेलस या गैलियोपिथिकस, इसको कि हम लेमर बोलते हैं, जो कि गिलहरी यानी स्क्वायरल जो होता है, जो अपने यहाँ मिलता है, गिलहरी के समान होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी, उसकी तरह दिखते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर 10, लेगोमॉर्फा।
लेगोमोर्फा में जो एनिमल्स मिलते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, जो कि रोडेंट्स लाइक होते हैं। इनमें जो कैनाइन दांत है वो अब्सेंट होता है, तथा इनमें डायस्टेमा यानी इनके दांतों के बीच में गैप पाया जाता है। इसका एग्जांपल है ऑरिक्टोलेगस, जिसको हम रैबिट बोलते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल है लीपस, जिसको हेयर जिसको खरा बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर 11 की। ऑर्डर 11 है आपका कार्निवोरा। कार्निवोरा में कैनाइंस जो होते हैं कंपली अब डेवलप्ड होते हैं, मतलब इनमें जो कैनाइंस दांत होंगे वो कंप्लीटली डेवलप होंगे। इस ऑर्डर के जितने भी एनिमल्स हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग, चुस्त तथा कार्निवोरस यानी मांसाहारी हैं। इनके अपर जॉज में प्रीमोलर तथा लोअर जॉज का मोलर मांस को चीरने के लिए उपयुक्त होता है, जिन्हें कैरेंशियल टीथ कहते हैं। स्थलीय कार्निवोर्स फिशिपीडिया तथा समुद्री कार्निवोर्स पिनिपीडिया कहलाते हैं। अगर बात करें इसके एग्जांपल्स की तो कैनिस फैमिलरिस, कैनिस फैमिलरिस मतलब जो डोमेस्टिक डॉग होता है। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो पैंथेरा लियो यानी लियोन। नेक्स्ट बात करें थर्ड एग्जांपल पैंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर। नेक्स्ट एसिनोनिक्स, इसको चीता बोलते हैं। नेक्स्ट फेलिस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिक कैट यानी जो पालतू बिल्ली होती है। ये सभी जीव ऑर्डर कार्निवोरा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर 12 सीटेसिया। इस ऑर्डर में सबसे बड़े मैराइन फिश लाइक मैमल्स आते हैं। इन जंतुओं के जो फोर लिम यानी अग्रपाद चप्पुओं में या फिन्स में परिवर्तित हो गए, जो कि इनको तैरने में हेल्प करते हैं। इनकी बॉडी नॉन हेयरी होती है यानी हेयर्स अब्सेंट होते हैं, तथा नॉन ग्लैंडुलर, इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें ईयर पिन्ना तथा पोस्टीरियर लिम्ब यानी फर्स्ट पाद अब्सेंट होते हैं, लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैमलिन का करैक्टर। इसकी बात करें एग्जांपल की तो बेलेनोप्टेरा मस्कुलस, इसको वेल बोलते हैं। ये लार्जेस्ट लगभग 100 फीट लंबा, हैवीएस्ट यानी 150 टन भारी मैमेलियन है। सेकंड बात करें डॉल्फिन पेलेटिन सिट्टा गैंगटेगा, इसको हम डॉल्फिन बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर 13 की। ऑर्डर 13 साइरेंसिया। यह है फिश लाइक हर्बीवोरस मैमल्स हैं, जिनमें फोर लिम पैडल यानी चप्पुओं में
तथा हैंटनिम्स अब्सेंट होते हैं। इनमें टस्क प्रेजेंट होता है जो कि मेल में प्रेजेंट होता है। इसकी बात करें एग्जांपल की तो रेटिना सीकाओ, जिसमें कि 6 सर्वाइकल वर्टिब्री मिलती हैं, इसको मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी पूछा जाता है कि किस मैमिलियन में 6 सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सभी मैमिलियंस में 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं, लेकिन क्लास और ऑर्डर सेडेंसिया का जो सीकाओ है उसमें 6 सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती हैं। नेक्स्ट ऑर्डर हायराकॉर्डिया, यह है रैबिट लाइक हर्बीवोर्स होते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें तो हायरेक्स, जो कि एशिया और अफ्रीका में मिलता है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑर्डर प्रोबोसिडा, इस ऑर्डर के अंतर्गत आजकल पाए जाने वाले सबसे बड़े व भारी भरकम टेरेस्ट्रियल एनिमल आते हैं। इनमें इंसिजर टस्क की फॉर्म में बाहर निकले हुए होते हैं, तथा जो इंसिजर्स जो टीथ होंगे वो आगे की तरफ निकले रहते हैं। मोलर टीथ लोफोडोंट टाइप के होते हैं। इसका जो एग्जांपल की बात करें एलिफास, यानी इंडियन एलिफेंट्स, जो कि आज के टाइम में सबसे भारी भरकम स्थलीय मैमेलियंस हैं। लोक्सोडोंटा, इसको बोलते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। नेक्स्ट ऑर्डर ऑर्डर पेरिसो डेक्टाइला, इन एनिमल्स में डिजिट्स की संख्या विषम होती है, यानी 1 या 3। इनकी लेग्स लंबी होती हैं और इनके जिनमें फर्स्ट या थर्ड डिजिट्स हूप्स के रूप में होते हैं, जो कि इनके दौड़ने में हेल्प करते हैं। हूप्स का मतलब खुर, जैसे गाय भैंस घोड़ा, उनमें जो पैर के नीचे जो उनका खोल होता है, यानी सू वो लेक टाइप का, जैसे हॉर्स शू होता है, उस टाइप के खुर पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल इक्वस कैबुलस और इक्वस एसिनस एस, इसको गधा बोलते हैं, इक्वस जेब्रा टेब्रा बोलते हैं, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस राइनो, इसको गैंडा बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला, इस ऑर्डर में जुगाली करने वाले एनिमल्स आते हैं। जुगाली का मतलब जो जानवर खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपना मुंह चलाते हैं, वो इस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इन जंतुओं में एंटलर्स या हॉर्न्स पाए जाते हैं, मतलब सींग पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल बॉस इंडिकस जैसे काओ, बोबेलस बोबेलस यानी बफेलो, कैमल्स आदि। और लास्ट ऑर्डर है आपका प्राइमेट्स, इस ऑर्डर के अंतर्गत सबसे अधिक विकसित डेवलप्ड एनिमल आते हैं। इसमें सबसे बुद्धिमान जंतु आते हैं, जैसे मैन मंकी गोरिल्ला आदि। इनका ब्रेन काफ़ी डेवलप होता है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो होमो सेपियंस सेपियंस मैन, नेक्स्ट निक्टी सेवस, इनको लीबर बोलते हैं। ये काफ़ी बुद्धिमान जंतु हैं जो कि प्राइमेट्स गण या ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैमिलिया, जिसमें आपने 18 लिविंग ऑर्डर की स्टडी की, जो कि यूनिट 4th का फर्स्ट टॉपिक था। इसके बाद कल जो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, जो आपका पेपर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, डेंटिशन इन मैमल, मतलब
मैमल्स में दांतों का प्रकार या किस टाइप के टीथ होते हैं। थैंक यू।